ये हूँ मैं, और आज हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के इंट्रो के लिए। इंट्रो तो नहीं बोलेंगे, वो लोग का रिव्यूज देने के लिए हॉस्टल के बारे में, क्या वो लोग अभी सोचते हैं, क्या उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, इसको जानने के लिए आज हम जा रहे हैं। और आज सूट हम लोग का ये रहेगा। फर्स्ट फ्लोर का पहला फ्लैट है 101, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज विजिट के लिए। हॉस्टल हमारा है न्यू अपार्टमेंट। हम लोग फर्स्ट रूम में जा रहे हैं इंट्रो लेने के लिए। 101 का 1-2 है, देखते हैं इंट्रो में कौन आता है। आज तुम लोग का बेसिक रिव्यू लेने के लिए आए हुए हैं कि तुम लोग 1 महीना अभी तक स्पेंड किए हो, तो इस 1 महीने में तुम लोग को एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम लोग का, तो एक्सपीरियंस तुम लोग को शेयर करना होगा। क्या है, कौन से ब्रांच अलॉट हुआ है, कहाँ से हो, और रेफरेंस कौन दिया था यहाँ पे, और हॉबीज कौन कौन से हैं। मेरा नाम गोपाल कुमार है, हम बिहार पटना से हैं। मेरा ब्रांच है CSIT, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरा हॉबी है टू प्लेइंग क्रिकेट, और रेफरेंस के लिए मेरे एक भैया यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, 1 महीना तुम लोगों को हो गया, 1 महीना ज़्यादा हो गया, हाँ। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा विद फैकल्टीज और टीचर्स के साथ? फैकल्टीज के साथ भी अच्छा रहा, और टीचर्स लोग भी सपोर्टिव हैं। कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और कुछ नॉर्मल भी हैं। कुछ नॉर्मल भी, अच्छा। और लैब विजिट किए हो? हाँ, लैब हो रहा है तुम लोग का? हाँ, यहाँ पे लैब के लिए बहुत प्रिफरेंस है, बहुत सारा लैब है, और लैब में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी है और बहुत प्रेजेंट भी है। अच्छा, ये सब तो हो गया लैब एकेडमिक्स के बाद, अब आते हैं हॉस्टल। हॉस्टल कैसा लगा बता? हॉस्टल तो मेरा NABH हॉस्टल है, यहाँ न्यू अपार्टमेंट हॉस्टल। हाँ, न्यू अपार्टमेंट हॉस्टल, ये सभी यहाँ का सभी हॉस्टल से सबसे न्यू है, और ये हॉस्टल नीट एंड क्लीन है। अच्छा, और तुमको यहाँ पे हॉस्टल में सीनियर्स के साथ कैसा रहा तुम्हारा बिहेवियर? और हाँ, सीनियर से कुछ बारे बताओ कि मतलब ठीक सपोर्टिव है या फिर वो प्रॉब्लम करते हैं? सभी सीनियर्स भैया लोग बहुत सपोर्टिव हैं, कोई भी दिक्कत हो उनसे बात कीजिए, जाके कहिए, वो हर काम में मदद करेंगे। और रूम वूम का क्लियरेंस कैसा, टाइम पे होता है? हाँ ठीक ठाक टाइम पे हो जाता है। मेस के बारे में कुछ ओपिनियन बताओ भैया। मेस के बारे में तो मेस है, नाम ही है, तो मेस का तो मेस ही जैसा ना रहेगा, मेस का खाना मेस जैसा है। जैसा टेस्ट क्वालिटी? टेस्ट कुछ टाइम सही रहता है और कुछ टाइम एबनॉर्मल रहता है। एबनॉर्मल, चलो अच्छा है। मेस का मैनेजमेंट ठीक है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को, फेस इशू करना पड़ता मेस वेस में, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या फिर भीड़ भीड़ का, क्राउड वाउड का? नहीं, टाइम मैनेजमेंट सही है। सही है, हाँ। अच्छा, कोई इशूज, तुम अपना ओपिनियन कुछ देना चाहते हो कॉलेज या फिर किसी के बारे में, हॉस्टल कॉलेज मेस? कॉलेज तो भैया अच्छा है, और मेस में खाना थोड़ा नॉर्मल है, और सीनियर्स लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, और रेफरेंस कौन दिया? और ये मेरा नाम ऋतुराज है, मेरा ब्रांच CSIT है, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, जो बिहार में है। और यहाँ रेफरेंस मेरे भैया ने दिया, जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं 3 साल पहले। उन्होंने कहा था यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छा है, और रैगिंग बहुत कम होता है यहाँ, और टीचर उनके टाइम पे अच्छा था, वो बोले थे। अभी के टीचर नॉर्मल हैं, लैब के टीचर अच्छे हैं, लैब करवाते भी, आपको मदद भी करेंगे जो आपको नहीं आए। लैब के टीचर ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और बताओ कि तुमको यहाँ पे लैब वैब तो हो गया, चलो ये मेस का कैसा लगा? मेस का जो ठीक है, खाना पीना कैसा है, और वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है? मेस का स्टार्टिंग में तो खाना बहुत बुरा था। स्टार्टिंग में ही बुरा था? हाँ, स्टार्टिंग में बुरा था। पहले हम लोग आए थे यहाँ पर 11 अगस्त 14 अगस्त को हॉस्टल में रहे हम लोग, और पहले 10-15 दिन खाना बहुत बुरा था। फिर काफ़ी कंप्लेन उप्लेन होने के बाद खाना उसके बाद से खाना नॉर्मल दे रहा है, सही दे रहा है, नॉर्मल, मतलब खाने लायक है। हाँ, मेस जैसा नहीं फील होता, खा सकते हैं, घर के जैसा तो घर जैसा नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, और यहाँ के क्लीनिंग फैसिलिटी पे कितना तुम, हॉस्टल में क्लीनिंग होता अच्छा खासा? क्लीनिंग हफ्ते में 3 दिन का हम लोग शेड्यूल है, फर्स्ट फ्लोर का मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। बट अगर रूम बंद रहा, क्लास में रहे, तो जल्दी सफाई हो पाता है, तो आपको कंप्लेन करना पड़ता है नंबर पे, तो फिर आकर कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब कंप्लेन कितनी जल्दी सॉल्व होता है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सॉल्व कितना टाइम पे होता है, मतलब टाइम लगता है एक दिन? हाँ, एक दिन से 2 दिन टाइम लगता है। अच्छा, फिर भी हो जाता है ऑन टाइम ना, मतलब हो जाता है, नहीं कि इमरजेंसी है तो हो जाएगा, और नहीं तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर 2-3 दिन टाइम लगता है।
और हॉस्टल सीनियर्स के साथ कैसा रहा तुम लोगों का बॉन्डिंग है, मतलब अच्छे सीनियर्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम करते सीनियर वगैरह? सीनियर भी है सब तरीके के, यहाँ पर अच्छे भी सीनियर बहुत है ऐसे इस बिल्डिंग में, सीनियर सारी उनके साथ बॉन्डिंग मेरा अच्छा ही है, और बाकी सारे सीनियर भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ सीनियर होते हैं उनके साथ मेरा अभी तक बातचीत नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे सीनियर के साथ बातचीत हो बहुत अच्छे है। अच्छा, और यहाँ के तुम जो भी हॉस्टल में तुमको जो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया उसे सेटिस्फैक्ट्री हो या फिर कुछ चाहिए था कि कुछ और भी रहना चाहिए था? रूम के साइज से थोड़ा ये है नॉन सेटिस्फाइड, जिसके हिसाब से पैसा जिस हिसाब से दे रहे थे उस हिसाब से कंजस्टेड है, और थोड़ा फैन का प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। जो गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, फैन और एसी वैसी वगैरह होना चाहिए था। और जो भी तुम लोगों को यहाँ पर मिला वो ठीक था कि और कुछ चाहिए था? क्योंकि बेसिक फैसिलिटी को एक चेयर मिला था, एक मैट्रेस मिला था, एक गोदरेज मिला था, तो ये सब के अलावा भी और कुछ लगा था कि कुछ चाहिए तुम लोगों को या फिर इतना बेसिक ठीक था? नहीं, मेरा बेसिक सही है, हॉस्टल में मिलनी इतना सही है। ठीक है, अच्छा, बढ़िया लगा तुम लोग से मिलके। अच्छा लगा तुम लोग से मिलके, रिव्यू ठीक है। ये हम लोग सेकेंड रूम में आए हुए हैं और ये दो बंदे हम लोग को मिले हैं, ठीक ठाक बैठे हुए थे, अब इन लोग थोड़ा इंट्रो लिया जाए क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, कौन हमको रेफरेंस दिया और इस कौन सा ब्रांच मिला तुम लोगों को? मेरा नाम अंकित राज, मैं हूँ झारखंड कोडरमा से हूँ, मुझे सीएससी ब्रांच मिला है, मेरा इस मुझे रिकमेंड मेरे अंकल किए थे यहाँ पे सीजीओ को। अच्छा, मेरे इंस्पिरेशन लाइक कोडिंग एंड गेमिंग से ये सब। कोडिंग और गेमिंग कुछ आगे डेवलप करके रखो या फिर ये बस इंस्पिरेशन है? और हाँ, पहले मैं 10th 12th तक कोडिंग किया था, बट अभी है आपका कुछ रोबोटिक्स वगैरह में आ रहा है इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, और तुम्हारा नाम भाई? मेरा नाम भी है रोशन कुमार है, रोशन कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, मेरा ब्रांच ये सीएससी डाटा साइंस है, और मतलब कि मैं मेरा हॉबी स्लीपिंग होना चाहिए, स्लीपिंग है, और फिर इंटरेस्ट वही थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग में है, बस थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं अभी कोडिंग वोडिंग, मतलब बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर दिया। हाँ, स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे तुमको रेफर कौन किया? रेफर कॉलेज में आने के लिए चाचा किए थे, चाचा किए थे, और एक भैया भी किए थे, मतलब आईटीआर से पास आउट है। कॉलेज ठीक है? कॉलेज ठीक है, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एक्सप्लोर करना बाकी है, तभी एक्सप्लोर करना है, अभी तो एक ही महीने हुए फिर करना है अभी। अच्छा, तो तुम लोग बताओ कि तुम लोगों का एक मंथ हो गया तुम लोगों का, तो इस एक मंथ में तुम लोगों का कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, टीचर्स और फैकल्टीज के साथ, मतलब एकेडमिक एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा बताओ, जैसे कि टीचर्स कैसे लगे, लैब कैसा रहा, और साथ साथ तुम लोग सपोर्टिव कैसे टीचर है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ टीचर्स के साथ? फैकल्टी तो अच्छे हैं, एक दो टीचर है जो उनका पढ़ाने का समझ में नहीं आता, बट हाँ मैनेज हो जाता है यूट्यूब वीडियो से, और लैब वगैरह सब सही है, लैब अच्छे खासे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ठीक से करने को होता है, वो सही होता है, टीचर लैब के टीचर भी बहुत सही है, बताते हैं अच्छे से, वो सही है। तुम्हारा? हाँ, मतलब कि लैब का अच्छा से होता है, मतलब टीचर भी बताते हैं, और फिर वही मतलब कुछ कुछ टीचर जो है मतलब पढ़ाते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैनेज तो करना ही है। मैनेज तो करना ही, अब इंजीनियर बन रहे तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा इस सब चीज़ का भी धीरे धीरे, चलो अच्छा है। उसके बाद तुम लोग बताओ कि तुम लोग हॉस्टल के बारे में क्या ओपिनियन, जैसे कि हॉस्टल का क्लीननेस कैसा है और सीनियर्स के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग कैसा रहा, वो लोग कितने सपोर्टिव थे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए तुम लोग को यहाँ पे इनिशियल फेज में आने पे, इन सब के बारे में अपना ओपिनियन दो। मतलब कि हॉस्टल क्लीननेस तो मैं इसका एवरेज बोलूँगा, एवरेज। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम कभी गंदगी ज़्यादा हो जाता है, वो क्लीनिंग वाले आते भी नहीं कभी कभी, बट हाँ वो कभी आते तो ठीक है साफ कर देते हैं बस, और सीनियर्स तो भाई बहुत अच्छे हैं, ऐसे कि आप ही हैं ऐसे, चलो आप ही इंटरेक्शन मेरा वो ज़्यादा। हाँ, इंटरेक्शन अच्छा रहा हम लोग का। हाँ, और बाकी सीनियर्स और भी हॉस्टल में बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो उन लोगों से बहुत सारे दो तीन सीनियर से मिला हूँ इसी हॉस्टल के, एक दो सीनियर ओबीएच के भी हैं, वो सब अच्छे हैं। अच्छा चलो, कोई प्रॉब्लम सीनियर से तुम लोग को फेस करने को नहीं, कोई मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे अच्छे सीनियर, मतलब हमारे हॉस्टल का अच्छे सीनियर है मतलब। और तुम लोग को यहाँ के जो भी तुम लोग को जितना पैसा में तुम लोग को जो भी कुछ दिया रूम के अंदर, उतने में तुम लोग हैप्पी हो या फिर कुछ और भी तुम लोग को एक्स्ट्रा से चाहिए था कि नहीं ये गोदरेज और मैट्रेस के अलावा और कुछ चाहिए था, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना चाहिए था, मतलब जैसे कि एक हैंगिंग डोर हैंगिंग मतलब हैंगर जैसे, फिर मिरर। हाँ, ये मिरर तो एक कॉमन है ना, एक कॉमन है और एक जिसका पर्सनल बाथरूम उसके लिए है, तो हमारा अटैच है
मतलब वो नॉन अटैच है तो एक कॉमन दिया हुआ तो ठीक है। उससे तुम लोग को पर्सन चाहिए था, एक्सपेक्टेशन चाहिए था। हाँ चलो अच्छा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन होना भी चाहिए पर्सनल। और तुम लोगों का मेस के बारे में बताओ, मेस का ओपिनियन कैसा, खाने पीने का एक्सपीरियंस और वहाँ का मैनेजमेंट कैसा? मैनेजमेंट तो उतना क्या बोले सही तो नहीं है, मतलब एक बार में तो ज़्यादा भीड़ भी हो जाता है और बाकी तो खाना तो उतना पता चल ही जाएगा वो तो आके, वो तो रोज पता चल रहा है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा है ना। हाँ अच्छा है तुम्हारा? मेरा भी सेम है, बट वो होता ना जिसको स्पेशल फूड मिलता है मैं से पूरा धड़ल्ले से पूरा भीड़ उसमें मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें बहुत दिक्कत होता है कि थोड़ा मैनेजमेंट ठीक रहता तो अच्छे रहता है, बाकी तो नॉर्मल सही रहता है। और ओवरऑल रिव्यू कैसा देना चाहोगे कॉलेज को? ओवरऑल रिव्यू ओवरऑल तो अच्छे है कॉलेज, वही मतलब बाकी तो ठीक ही है सर, बाकी ठीक है। हां तुमसे मिल करके आपसे मिल करके अच्छा लगा, आपसे मिल करके ठीक है। ये सेकेंड नॉट अटैच बात नॉट अटैच रूम था, हम लोग अटैच में जा रहे हैं। ये तो गेट खुला है आज, देखते हैं अंदर कौन है। अच्छा पढ़ाई चल रही है, वाह अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा हम लोग का आज एक्सपीरियंस अभी तो जो भी गेन किए हो फर्स्ट ईयर में उसका एक्सपीरियंस का रिव्यू लिया जाए। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? मेरा नाम अयान सिन्हा है, मैं बोकारो झारखंड से हूँ। मुझे सी वी रमन सही लग रहा है, मेरा ब्रांच सी एस सी डेटा साइंस है। मैं अपने भैया के रेफरेंस से यहाँ आया हूँ और अभी कॉलेज का माहौल तो ठीक ठाक ही लग रहा है, वैसा जितना हाइप है वैसा नहीं है। हाइप ज़्यादा है कॉलेज का? नॉर्मल है, नॉर्मल लग रहा कॉलेज। हाँ नॉर्मल। अच्छा तुम्हें बताओ सेम क्वेश्चन। भैया मेरा नाम अश्विन शुक्ला है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। मैं यहाँ पे सी वी रमन अपने पापा के कहने पे आया, मेरे पापा सी वी रमन में एक फैकल्टी को जानते थे तो उनके कहने पे मैं यहाँ पे सी वी रमन में। मेरा कोर्स है सी एस सी कोर एंड मैं फर्स्ट ईयर हूँ। मेरा हॉबीज़ लाइक म्यूज़िक कंपोजिंग है, बॉडी बिल्डिंग है एंड फैशन मेरे को थोड़ा मोड़ा पसंद है, तो निफ्ट ये सब मेरा इंटरेस्ट है और मैंने एक बार निफ्ट ट्राई किया था। हाँ तुम्हारा कॉलेज के जो फैकल्टीज है उनसे कैसा आप लोग का रिलेशन, मतलब कि कैसा लगा कॉलेज के फैकल्टीज और उनके साथ लैब कैसा रहा तुम्हारा और लैब के साथ उनके साथ रिलेशनशिप कैसे पढ़ा रहे, अच्छा लग रहा खराब लग रहा समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में कुछ बताओ? या जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट है कुछ फैकल्टीज तो बहुत अच्छे हैं, कुछ मीडियम है और कुछ का तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। बाकी लैब में तो अच्छे टीचर मिले हैं, मैम और सर जो है अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। और जो थ्योरी क्लासेस है उसमें कोई कोई टीचर का दिक्कत होता है समझने में, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। और बॉन्डिंग एक्सपीरियंस ठीक रहता है, मतलब अगर एक्स्ट्रा से पूछने जाओ टीचर से तो बताते हैं वो कुछ? हाँ अच्छा से बताते हैं, लेकिन जिनका समझ नहीं आता उनसे सवाल पूछने में दिक्कत लगता है थोड़ा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही टीचर के साथ अगर थोड़ा फ्रैंक ना रहे तो। और बाकी जो सही टीचर उनसे उनके साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा रहता है। इंटरेक्शन इम्प्रूव हो रहा है कुछ कॉलेज में आने के बाद? बहुत हो रहा है। अच्छा हमारे लिए भैया मैं ग्रुप वन में हूँ तो मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरे को सारे सपोर्टिव टीचर्स मिले हैं। कुछ भी ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग खुद ही सामने से बोलते हैं लाइक तुमको समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से समझाता हूँ। और जैसे डाउट सॉल्विंग में लाइक बच्चे लोग पूछते हैं तो फिर से रिविजन भी हो जाता है। एंड हम लोग के पी एस लैब में मैम है ममता वाघ मैम, वो बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा लेक्चर देती हैं लैब में। एंड लैब हम लोग का बहुत कंसिस्टेंटली होता है और एकदम पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ये सब मेरे को क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगी मैम की। एंड थ्योरी में हमारे सुरेंद्र नंदा सर हैं, वो भी हमारे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। अच्छा मतलब काफ़ी खुश हो यहाँ के टीचर्स से और फैकल्टी से? हाँ फर्स्ट ईयर में लाइक मेरे को एक्सपेक्टेशन जैसा एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी मेरा दोनों सेम है अभी फर्स्ट ईयर में, जैसे टीचर्स एकेडमिक्स के लिए रिलेटेड। तुम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो टीचर्स से? हाँ ग्रुप वन है, ग्रुप वन का होता है, मेरा भी ग्रुप वन है तो ग्रुप वन में टीचर्स अच्छे ही मिलते हैं मैक्सिमम। कुछ बहुत टीचर्स रेयरली मिले हैं, कुछ बहुत खराब, लेकिन मैक्सिमम अच्छे मिल जाते हैं। सीनियर्स के साथ और मेस का टाइमिंग कैसा? मेस में तुम लोगों को क्या मतलब मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वहाँ के खाना और फूड और टेस्ट के बारे में बताओ? सीनियर से तो भी अच्छा बॉन्डिंग है, वो सामने से इंट्रोडक्शन सब लिए तो अच्छा बॉन्डिंग बना है कि आगे काम देंगे भैया लोग ही तो। और
भैया साथ, भैया ये सब और सारे सीनियर साथ रिलेशन अच्छा है। और मेस का बात करें तो टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जैसे अगर नाश्ता सुबह जल्दी कर लिए, दोपहर का खाना भी जल्दी खा लिए, तो फिर बीच में थोड़ा दिक्कत लगता है क्लासेस में। अच्छा। और बाकी टाइमिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी सीनियर्स भी आ जाते हैं या फिर भीड़ हो जाता है तो दिक्कत होता है मिलने में। मैनेजमेंट का दिक्कत है तुम लोगों का, मैथ्स का थोड़ा सा होता है मैनेजमेंट। अच्छा। और हॉस्टल से सेटिस्फैक्ट्री हो, यहाँ के रूम से हो, यहाँ के बजट से? हाँ भैया, यहाँ हॉस्टल और क्लीननेस से, यहाँ से यहाँ पे साफ सफाई भी अच्छी है। इस हॉस्टल की तो अच्छी लगी मुझे और के कंपैरिजन में, और बजट के हिसाब से सही है ये हॉस्टल। सही है। और जो भी कुछ हॉस्टल तुमको प्रोवाइड किया गया, जिस वजह से तुम लोग को अलमीरा प्रोवाइड किया, मैट्रेस प्रोवाइड किया, चेयर रहा, इसके अलावा तुमको लगता है कुछ और एडिशन ऐड होना चाहिए था इस बजट के अंदर, या फिर इतना सेटिस्फैक्ट्री ठीक लग रहा है? इस बजट के हिसाब से तो सही है भैया, हमको तो सही लग रहा है। तुम्हारे लिए कुछ रिव्यू, सीनियर से कैसा तुम्हारा अभी बॉन्डिंग रहा है? भैया सीनियर से तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है, लाइक भैया लोग बहुत सपोर्टिव है। SIP के टाइम उन्होंने सारा गाइडेंस दे दिया था, लाइक हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपसे भी मेरा इंटरेक्शन एक बार हुआ था, तो आपने भी मेरे को गाइड किया था। एंड लाइक कैसे क्लास में बिहेव करना है, कैसे मैनेज टाइम मैनेज करना है, क्लीननेस यहाँ पे तुम हॉस्टल के अंदर तुमको कोई क्लीननेस का इशू हो रहा हो या फिर साफ सफाई, और इस बजट में तुमको ठीक लग रहा है जो भी कुछ मिल रहा है वो? भैया इस बजट में तो मेरे को एवा भी लग रहा है, ये लग रहा है। हाँ, अच्छा। लाइक मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत लो था लेकिन मेरे को हाई मिल रहा है हॉस्टल में। एंड क्लीननेस अच्छा है, हम लोग मेंटेन करके भी रहते हैं। मेस में थोड़ा मतलब लाइक हम लोग को लगा, मेरा एक्सपेक्टेशन था मेस का कि लाइक हम लोग का क्लासेस चालू होगा 9 बजे, तो भैया लाइक वो एक्सपेक्टेशन लेके आया था, लेकिन यहाँ पे क्लासेस चालू हो रहा है 7:30 बजे। फर्स्ट ईयर में क्लासेस स्टार्ट जल्दी से थोड़े होते हैं। वो क्या होता है, हम लोग को सेकंड हाफ में टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। फर्स्ट हाफ में तुम लोगों का क्लासेस स्टार्ट होंगे, लेकिन सेकंड हाफ में टाइम मिल जाए तुम लोग कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। तुम्हारा 2:30 बजे के बाद क्लास खत्म हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, 2:30 से 5 हो गया 7, 5-6 घंटे का टाइम रहता है। तुम कुछ एक्स्ट्रा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे अनुभूति वगैरह होता है, इससे तुम पार्ट ले सकते हो, अलग अलग इवेंट्स होते हैं उसको तुम लोग ऐडअप हो सकते हो। फर्स्ट ईयर में स्पेशल टाइम दिया जाता है कि तुम ऐडअप हो अलग अलग इवेंट्स में, इसलिए टाइमिंग वैसा रहता है। सेकंड ईयर में आओगे तो फिर वही 9 से 5 का रूटीन हो जाएगा, तो अभी अच्छा है भी अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लो, अलग अलग मतलब एक्सप्लोर करो कॉलेज को। ओवरऑल रिव्यू बताओ, कैसा लगा तुम्हारा कॉलेज? कॉलेज पैसे के हिसाब से वर्थ इट है, क्लीननेस और ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल सब मेंटेन है, उतना पोल्यूटेंट्स नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो मेरे को अच्छा लगता है, ये शांति बहुत है हमारे लिए। ओवरऑल रिव्यू, यह कॉलेज का एनवायरमेंट बहुत सही है, 10 हम इसको 7 रेटिंग देंगे। 7 फिर भी? हाँ, थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत है, बाकी सब सही है। तो 8.5 दूंगा। 8.5 मैनेजमेंट में हमेशा इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहेगा, तो उसको इम्प्रूविंग में ही रखा जाए। बाकी कुछ कुछ जगह इसको मैनेज और किया जा सकता है, लाइक सिक्योरिटी लेवल ये सब अच्छे से किया जा सकता है। हमारे वार्डन सर भी लाइक सिक्योरिटी पे बहुत फोकस करते हैं, लाइक हॉस्टल में हॉस्टल के फ्लोर पे लाइक एक सिक्योरिटी कैमरा लगाया जा सकता है हॉस्टल के फ्लोर्स पे, लाइक अगर लाइक थेफ्ट होता है तो हम लोग को पता चल जाए कौन हम लोग के रूम में गया। ये सब एक रिकमेंडेशन है। ठीक है, धीरे धीरे इसको कोई इम्प्रूवमेंट होगा। और तुम लोगों को बाकी सब तो बढ़िया ही लग रहा है जहाँ तक। तो इन लोग का अटैच बाथरूम है, तो हम लोग जा रहे हैं अटैच बाथरूम देखने के लिए कितना स्पेस है कैसा है। अटैच बाथरूम में ओवरऑल स्पेस ठीक है 2 बच्चों के लिए। हाँ, अच्छा खासा है। इस तरफ भी अगर दिखाया जाए तो स्पेस काफ़ी है, स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब भी ठीक ही लग रहा है। हम लोग अटैच कर चुके हैं, नॉन अटैच देख चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सिंगल रूम का देखने के लिए, जो कि एक किचन होता है उसमें जा रहे हैं देखने के लिए कैसा होता है। वाह, बड़े जल्दी रूम खोल दिए। अरे भैया, ये आदित्य हमारे रूम, हमारा फ्लैटमेट है और हमारा बैचमेट भी है, ये सिंगल रूम में रहता है। तो आइए इसका स्पेस देखते हैं कि सिंगल रूम में कितना स्पेस होता है, कैसे कितना स्पेस रहता है और कैसे पढ़ते हैं। ये इधर आते के साथ एक बेड होता है आपका, बेड के बाद ये पूरा स्लैप ही रहता है, आप स्लैप बोलो या टेबल बोलो, टेबल नहीं मिलता इसमें, लिटरली इसमें मैक्सिमम आपको स्लैप ही मिलता है, तो स्लैप में आप। और ये बगल में लिफ्ट है, और ये लिफ्ट में 6 आदमी मिनिमम आराम से आ सकते हो,
और इस तरफ आरओ है, वाटर का अच्छा सुविधा है यहाँ पे, चिल्ड वाटर मिलता है, काफ़ी इजीली आप अवेलेबल कर सकते हैं क्योंकि भुवनेश्वर पूरा गर्म रहता है तो इजीली आप पानी ले सकते हो। जब सारा स्पेस भर जाता है, अलॉट हो जाता है रूम, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है यहाँ पे, कोई बच्चा अगर लेट से आया या फिर अलॉट हो गया और स्पेस नहीं बचा हुआ है तो यहाँ पे उसको स्पेस दिया जाता है। एक गोदरेज मिलता है उसको और एक रूम और एक बेड रहता है मैट्रेस के साथ। ओवरव्यू दिखाते हैं, ये इधर एक नॉन अटैच है टू बेडरूम वाला, उसके बाद इसके जस्ट बगल में आता है एक सिंगल किचन, उसके बाद आगे जाते हैं तो इधर आपको एक नॉन अटैच रूम मिलेगा। नॉन अटैच रूम मिलने के बाद ये दोनों नॉन अटैच रूम का एक कॉमन बाथरूम होता है यहाँ पे, और ये एक अटैच रूम है, यहाँ पे अटैच रूम और कॉमन पर्सनल बाथरूम है। और ये रहा बाथरूम, ये अटैच बाथरूम होता है दो कॉमन रूम का, बाथरूम में स्पेस अच्छा खासा होता है दो आदमी के लिए ठीक है। उसके बाद इसके बाहर आते हैं तो एक अच्छा सा बालकनी आपको मिलेगा इधर, बालकनी का व्यूज काफ़ी अच्छे रहते रात में और दिन में भी, अभी तो रात है तो उतना अच्छा व्यू नहीं चल रहा लेकिन व्यूज अच्छे रहते हैं यहाँ पे, बारिश हो भी हो रही है। और बस दैट्स द एंड।